राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 जिलों के 199 सीटों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो 6 बजे तक रहेगी। वहीं जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही है। इधर प्रदेश में कई दिग्गजों ने अपना मत दिया है, जहां सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा में अपना वोट डाल दिया है। वहीं वोट डालने के बाद सीएम ने कहा, इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी और यह चुनाव विधानसभा का है, जहां आज के बाद दिल्ली के कोई नेता राजस्थान में दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दोबारा आ रही है, हम यही रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे और उनके सुख दुख की बात करेंगे। देखिए, आप आपके सामने ही हो रहा है, इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनका इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, कितनी आशीर्वाद दे रही मुझे, ठीक है ना सर। सर, चौथी बार आपको लग रहा है सर, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है सरकार, रिपीट हो रही है, गारंटी आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैडिबिलिटी गारंटियों की है सरकार, उन्हें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे, ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग, हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में, वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग, आप समझ सकते हो जनता के लिए।